Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Mr. Ashish Tiwari, Mr. Bilal, Mr. PV Murthy, Mr. Rakesh, can you hear me? आवाज आ रही है? अच्छा, हम लोगों ने ये पुट सेल किया था 36,200 का पुट, अगर आपको याद है, और मैंने आपको इसको एवरेज भी करने बोला था। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी एक्चुअली आज। अगर मैं आज आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। यस, नाउ जस्ट सी दिस। ये एक मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, थोड़ा ऊपर गया, देन इट ब्रोकन दिस अगेन, यहाँ पे वापस मॉर्निंग स्टार बना और उसके बाद यहाँ पे रेजर रैली आया। यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया था 310 में निकल जाना है, यस और नो? यहाँ पर मेरा मैसेज आ गया होगा 310 में निकल जाना है। क्लियरली मैंने मैसेज दिया दिया था कि 310 में निकल जाना है, हमें 310 के आसपास ऑर्डर मिल जाएगा, करेक्ट? और मैंने ये भी मैसेज किया था कि 2 बजे के आसपास आरबीआई गवर्नर का पॉलिसी है, तो आपको थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, यस और नो? सबको पता था 2 बजे अनाउंसमेंट होगा, प्लीज रिप्लाई। सबको पता था, करेक्ट? हाँ, अभी ये जो कैंडल बना है, ये कौन सा कैंडल बना है? कैन एनीवन टेल मी, ये कैंडल बना है, ये कौन सा कैंडल बना है? व्हाट इज दिस कैंडल नेम, जो बड़ा वाला कैंडल बना है? हाँ, HW, बराबर। तो ये थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अभी फिलहाल, करेक्ट? मैं मेरा PNL पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, यू कैन सी हियर, काफी MTM काफी चला गया था नेगेटिव, लेकिन आई वॉज श्योर, मैंने थोड़ा और सेलिंग किया ऊपर में, 500 के आसपास भी मैंने सेलिंग किया। मेरा स्क्रीन रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको 24,000 प्लस दिख रहा होगा, यस और नो? दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। स्क्रीन रिफ्रेश भी किया है मैंने, 24,000 प्लस दिख रहा होगा, करेक्ट? एंड यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया है, यहाँ पर मैंने किया 12,000 रुपये प्रॉफिट, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 12,000 प्रॉफिट, यस और नो? वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, स्टिल वी हैव मैनेज टू मेक सम प्रॉफिट, करेक्ट? एंड वोलेटिलिटी तो है, एंड नाउ वी कैन से इंडेक्स इज नेगेटिव, नो, मुझे तो नहीं लगता यहाँ से, मुझे लगता है इनफैक्ट 16,700, 16,800 ये काफी अच्छा सपोर्ट है। क्लोजिंग देखते हैं 3 बजे कहाँ पर हो रहा है, अगर ये 16,800 के ऊपर होता है ना क्लोजिंग, तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्ट लेवल है 16,830, 16,830 का जो लेवल है ना, वो काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल है, ठीक है? 16,830 अगर वो क्रॉस होता है तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है? सो उसके हिसाब से हमें चलना है। अभी मुझे पहले बताओ, निफ्टी स्ट्रैटेजी का MTM क्या है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का MTM क्या है? व्हाट इज द MTM, दोनों का MTM क्या है, पहले मुझे ये बता दो, व्हाट इज द MTM, MTM कितना है? निफ्टी स्ट्रैटेजी का MTM बताओ, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का MTM बताओ। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी अभी भी प्लस में ही है, 4,000 प्लस है, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट निफ्टी स्ट्रैटेजी, निफ्टी स्ट्रैटेजी कितना है? रेंज के बाहर गया है क्या निफ्टी स्ट्रैटेजी? आई थिंक मेरे हिसाब से अब रेंज के बाहर जाना स्टार्ट हुआ होगा निफ्टी स्ट्रैटेजी। निफ्टी व्हाट इज द रेंज, रेंज कितना है? व्हाट इज द रेंज, रेंज कितना है निफ्टी स्ट्रैटेजी का? रेंज कितना है? नहीं नहीं व्हाट इज द रेंज, प्रॉफिट रेंज कितना है? 16,800 के आसपास एक्सपायर होता है तो प्रॉफिट आता है क्या? 16,850 के आसपास एक्सपायर होता है, प्रॉफिट आता है क्या, यस और नो? मुझे रेंज बताओ, रेंज, रेंज कितना है? मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर आंसर, रेंज बताओ, व्हाट इज द रेंज? अच्छा, यहाँ पर क्या पैटर्न बना है, कैन एनीवन टेल मी? 16,900 से 17,200 रेंज नहीं है मिस्टर पीवी मूर्ति, जस्ट कैलकुलेट इट, प्रॉपरली कैलकुलेट करो, क्योंकि रेंज जो है ना वो आता है 16,700 से लेके 750 से लेके 17,300, ये रेंज आता है, चेक कर लो जरा, क्योंकि हम लोगों ने 17,100 का कॉल भी शिफ्ट किया था, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है
ओपन ट्रेड में मुझे सेंड करो, मुझे मैसेज करो, ओपन ट्रेड, ओपन ट्रेड मुझे व्हाट्सएप करो अभी। ओपन ट्रेड मुझे व्हाट्सएप कर दो अभी, या ओपन पोजिशन। अच्छा पहले मुझे बताओ ये क्या पैटर्न बना है अभी? नाउ व्हाट इज दिस पैटर्न? कैन एनीवन टेल मी क्या बना है? इसमें कैसे ट्रेड करते हैं मिस्टर अंसर, मिस्टर धीरज, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस टू ट्रेड इन दिस? क्या तरीका मैंने आपको सिखाया है इसमें ट्रेड करने का? कैन एनीवन टेल मी? कभी यहाँ पे शॉर्ट करना है क्या सर बिलाल? यहाँ पे शॉर्ट करना है क्या? तरीका क्या सिखाया मैंने आपको? कहाँ पे करना है शॉर्ट? कल आएगा क्या ये? डेली चार्ट है ये, कल आएगा ये? कल हमारे लेवल के हिसाब से आएगा ये? आएगा ना कल हमारे लेवल के हिसाब से? इतना बड़ा कैंडल है, आना ही है इसको मिस्टर दिव्य निवार। हमारे लेवल के हिसाब से आएगा ये शॉर्ट करने के लिए, चांस देगा ये कल, आना ही आना है इसको। 16,600, 16,700 काफी अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी का मैक्स, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम प्रॉफिट रेंज क्या है? तो सर पीवी मूर्ति आप मुझे सेंड करो ओपन ट्रेड निफ्टी स्ट्रैटेजी का, निफ्टी स्ट्रैटेजी का ओपन ट्रेड, ओपन ये मुझे ट्रेड्स व्हाट्सएप करो। बहुत ज्यादा फॉल है, फॉल बहुत ज्यादा है, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, फॉल बहुत ज्यादा है। नहीं ओपन ट्रेड मुझे नहीं मिला है, व्हाट्सएप करो आप मिस्टर पीवी मूर्ति, व्हाट्सएप करना है, ओपन ट्रेड मुझे नहीं मिला है। ओपन ट्रेड मुझे नहीं मिला है तो व्हाट्सएप करो मुझे। मैं थोड़ा सा अभी ये ट्रेड लेने वाला हूँ, ये कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत निफ्टी में ट्रेड लेने वाला हूँ। हाँ, सपोर्ट तोड़ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ ब्रेक होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड ले रहा हूँ। आपको भी अगर किसी के पास मार्जिन है तो आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रीमियम काफी अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, प्रीमियम मुझे काफी अच्छा मिल रहा है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। हीरो मोटो में अच्छा प्रॉफिट आया होगा आपको, ये हीरो मोटो शॉर्ट दिया था, हीरो मोटर में काफी अच्छा प्रॉफिट आया होगा। हीरो मोटर में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आया होगा, दैट इज श्योर। सोलह 600, 16,500 का पीई में शॉर्ट करते जा रहा हूँ, अगर किसी को करना है तो कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा नीचे जाएगा ये, उससे ज्यादा कुछ फॉल आएगा, आई डोंट थिंक, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ट्रेड। किसी को ट्रेड लेना है ले सकते। ट्रेड लिया है मैंने, आप स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? प्लीज रिप्लाई, स्क्रीन दिख रहा है ना, यस और नो? एकदम लाइव है ये, मैंने ट्रेड लिया, आपको किसी को लेना आप ले सकते हो, इतना मुझे नीचे नहीं लगता है, एकदम सिंपल है, और कल एक्सपायरी है, तो ये अगर ये 16,700-800 के आसपास ही ओपन होता है तो ये पुट दोनों जीरो हो जाएगा, ओपन होता ही नहीं 3:30 बजे तक। यस ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेल किया हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये आएगा, चांस देगा ये सर बिलाल, अपना जो कैलकुलेशन है ना उसके हिसाब से आएगा ये। इवेंट था ना, इवेंट के वजह से इतना वोलाटिलिटी हुआ है, वरना इतना वोलाटिलिटी नहीं होता।
इवेंट था ना आज, इवेंट के वजह से वोलेटिलिटी हुआ। इसमें क्वांटिटी में इंक्रीज करते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें आराम से प्रॉफिट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरती पाटिल, आप एक काम करो, आपका ये ओपन पोजिशन है क्या? क्या ओपन पोजिशन क्या है? व्हाट इज द ओपन पोजिशन आरती पाटिल? थोड़ा सा एक्टिव रहो, आप मुझे मैसेज करो, ओपन पोजिशन मैसेज करो मुझे। मैंने आपको व्हाट्सएप किया, देखो निफ्टी स्ट्रैटेजी का मुझे ये बताओ ना, रेंज बताओ ना मिस्टर आंसर, व्हाट इज द रेंज? रेंज कितना है? रेंज से बाहर जा रहा है या रेंज के अंदर है, क्या है ये मुझे बताओ पहले, रेंज कितना है? हो गया ना ये, शायद हो गया होगा, एक लॉट और शायद जाएगा। क्या हुआ है सर? बिलाल मैं तो, ये तो कम क्वांटिटी किया मैंने, अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी किया था मैंने, अभी तो और क्वांटिटी करूंगा मैं इसको। हाँ नेकेड करता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है ना मार्जिन है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छह सौ सत्तर, क्या बात है, बहुत ज्यादा जोर से गिर रहा है ये, बहुत ही ज्यादा जोर से गिर रहा है ये, सीरियस फॉल। देखो फॉल कितना फास्ट आ रहा है, फॉल बहुत ज्यादा फॉल है। मैंने भी लिया है, लिया नहीं है बेचा होगा मिस्टर बिलाल, आपने लिया नहीं होगा आपने बेचा होगा, चेक कर लो जरा। निफ्टी स्ट्रैटेजी एमटीएम बताओ मुझे, व्हाट इज द एमटीएम? एमटीएम क्या है? एमटीएम ठीक है, रेंज क्या है? रेंज मुझे बताओ पहले, रेंज मुझे बताओ। ठीक है वेट करो, करते हैं उसमें कुछ, वेट करो। ये मार्जिन इंक्रीज कर दिया क्या सडनली? अरे यार ये ब्रोकर लोगों ने मार्जिन इंक्रीज कर दिया। मार्जिन इंक्रीज कर दिया इन लोगों ने, मार्जिन इंक्रीज कर दिया इन लोगों ने सडनली। क्या गिर रहा है ये, बहुत जबरदस्त गिर रहा है।
तो मैंने सोचा भी नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मैंने गया इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, 35,200 और बड़े बड़े कैंडल बन रहे, 35,300 आ गया बैंक निफ्टी। ओहो, ह्यूज कैंडल बन रहा है, ह्यूज कैंडल है। क्या वोलाटिलिटी है, 5 मिनट में 25-30 पॉइंट ऊपर आता है, 5 मिनट में 25-30 पॉइंट ऊपर आता है। आज स्टॉक्स में ट्रेड नहीं लेंगे, आज आज थोड़ा सा ट्रिकी है मार्केट, आज स्टॉक्स में ट्रेड नहीं लेंगे। मेरे हिसाब से कल मॉर्निंग में हमें परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, तो अभी फिलहाल ट्रेड नहीं लेंगे स्टॉक्स में। अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, कल मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे। ये थोड़ा सेफ है, ये थोड़ा सेफ है, इसीलिए मैंने किया यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ नीचे जाएगा, तो ये थोड़ा सेफ लग रहा है। 3 बजे के आसपास तक आना चाहिए, 3:10 के आसपास आना चाहिए। 16,750, 16,800 तक निफ्टी, 100 पॉइंट रिकवरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया ना एक ही दिन में। मैंने लिया है मिस्टर अंसर, आप मेरा ट्रेड देख सकते हो, मैंने ये ट्रेड लिया है। ये अगर लेना आप ले सकते हो, आपके पास मार्जिन है तो। ये मैंने सेल किया, आप सेल कर सकते हो, ये मेरा ट्रेड। ये मैंने सेल किया, आपको लेना आप ले सकते हो ट्रेड। लॉजिक भी बता देता हूँ, ये पैटर्न बना है बेरिश एंगल्फिंग, अगर आपको पता है। और इसमें क्या करने आता है, ये बेरिश एंगल्फिंग जब बनता है तो क्या करने आता है सर, विकी गाला क्या करने आता है? यस करेक्ट। तो उसके हिसाब से हमें कल मॉर्निंग तक इजीली प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे हिसाब से अभी आ जाना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि अभी भी ये 3 बजे के बाद मोमेंटम आएगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगा ही आएगा, 750 16,800 तक जाएगा ही जाएगा। ये चार सौ पॉइंट माइनस है निफ्टी। ओहो, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत दिनों बाद में ऐसा रेंज देखा है। मुझे ओपन ट्रेड मैसेज करो ना मिस्टर अंसर, जरा निफ्टी स्ट्रैटेजी का मुझे ओपन ट्रेड मैसेज करो। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस नहीं है, इट इज इन पॉजिटिव। बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में तो कोई चेंजेस करना ही नहीं है। हाँ, 16,600 कैरी करना है, बराबर है, कैरी करके जाना है, कैरी करके जाना है। कल करेंगे एग्जिट, आज नहीं करेंगे। चार सौ बीस पॉइंट माइनस है निफ्टी। मुझे मैसेज करो मिस्टर आंसर, जरा निफ्टी स्ट्रैटेजी का ओपन ट्रेड मुझे मैसेज करो, ओपन ट्रेड ओपन पोजिशन मुझे मैसेज करो। क्या फॉल आया, क्या फॉल आया, जबरदस्त फॉल है, बहुत जबरदस्त फॉल है, बहुत ही जबरदस्त फॉल है। ओपन ट्रेड क्या क्या मुझे मैसेज करो, तो उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं। ओपन ट्रेड है 17,100, ठीक है, 17,000, 16,900, और ठीक है, 17,300, 17,200, 17,100, 17,300, 17,200, 17,100, ये तीनों शॉर्ट है क्या? हाँ मिस्टर आंसर,
ये तीनों शॉर्ट है, 17, 100, 200, 300, तीनों शॉर्ट है क्या? प्लीज रिप्लाई। सत्रह, 100, 200, 300, 17, 100 और 200 शॉर्ट है। ठीक है, वेट ऑन मिनट, मैसेज कर रहा हूं मैं। मैंने मैसेज किया, चेक करो जरा, मैंने मैसेज किया, चेक करो जरा। 17, 100, 200 स्क्वायर ऑफ करना है और 16, 900 का डबल करना है, डबल क्वांटिटी करना है, 16, 900 का। मैसेज मिला होगा, चेक कर लो। निफ्टी स्ट्रेटजी अपडेट मैसेज मिला होगा, चेक कर लो जरा। ट्रेड करके मुझे रिप्लाई करो, क्वेश्चन बॉक्स में रिप्लाई करो, डन। ट्रेड कर दो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। ट्रेड कर लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। कर लिया चेंजेस, चेंजेस किया, यस और नो? ओपन पोर्शन है वो, पहले का ओपन पोर्शन है। तो जितने नए लोग हैं वो लोग ट्रेड मत करना, क्योंकि वो पहले का ओपन पोर्शन है। नए लोगों के लिए मैंने ये ट्रेड दिया हुआ है, ये अगर किसी को करना आप कर सकते हो, ये अभी भी काफी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों पुट कल जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो ये करना आप कर सकते हो। किया निफ्टी स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर लिया क्या? प्लीज रिप्लाई। निफ्टी स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर लिया, प्लीज रिप्लाई। हाँ, कर लिया चेंजेस, प्लीज रिप्लाई। आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाई। सर आंसर किया चेंजेस, प्लीज रिप्लाई।
हाँ नहीं ना, 3 बजे बाद भी शॉर्ट कवरिंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा है अभी भी। बहुत ज्यादा बड़ा फॉल है ये, बहुत बड़ा फॉल, बहुत दिनों बाद में इतना बड़ा कैंडल देखा है, बहुत दिनों बाद में इतना बड़ा कैंडल देखा है, इतना बड़ा कैंडल देखा नहीं मैंने। आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट का टाइमिंग फिक्स होता है, नॉर्मली 2 बजे के आसपास ही होता है, वो फिक्स होता है। वापस मार्जिन कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है, वेट करना, मेरा मार्जिन का बहुत इश्यू हो रहा है, पता नहीं क्यों, वेट करना है, अभी मार्जिन का बहुत इश्यू हो रहा है। मार्जिन का इतना इश्यू क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मार्जिन सडनली आज इन लोगों ने बढ़ा दिया, सारे ब्रोकर्स ने बढ़ा दिया। सोलह 800 से 17 100 हो गया ना अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छा है। आज बहुत बुरा दिन था, आज बुरा दिन नहीं था, आपने लालच किया, बुरा दिन बिल्कुल भी नहीं था, आपने लालच किया एक्चुअली सर। हम सर क्लियरली मैसेज दिया है सारा क्वांटिटी स्वरफ करना है, फिर भी आपने 50 क्वांटिटी रखा, आपने लालच किया, आज आपको लालच नहीं करना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज किया पुट में, एंड पुट में मुझे लग रहा है कि यहाँ से कल थोड़ा गैप अप भी हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो कल गैप अप होने के चांसेस भी है। निफ्टी तो कल गैप अप हो सकता है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है। सर आंसर, अब निफ्टी स्ट्रैटेजी को ब्लेम करने का जरूरत नहीं है, आपने लालच किया ये एक्सेप्ट करो, आप आपने लालच किया, आपको नहीं करना चाहिए था, क्लियरली मैसेज किया है 310 पे सारा क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करना है, फिर भी आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया सारा क्वांटिटी। और आरती पाटिल का ये गलती था कि उनको पता था 2 बजे वोलेटिलिटी होने वाला है, स्टिल उन्होंने मैसेज को देखा ही नहीं, मैसेज को सीरियसली नहीं लिया या समझा नहीं, व्हाटएवर, तो कुछ स्टूडेंट्स से गलती हुआ है आज, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी वोलेटिलिटी में ही आप सीखोगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे रिएक्ट करना, टाइम पे रिएक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है।
मिस्टर आशीष, मुझे लगता है कि ये जो भी फॉल है ये फैक्टर इन है, फेड में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा वो भी फॉल फैक्टर इन है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बड़ा फॉल है। इनफैक्ट हमारे कंसेप्ट के हिसाब से, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसमें एक रिट्रेसमेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आएगा कल, और कल 16,800-16,850 के आसपास तक एक्सपायरी हो सकता है, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, 16,800-16,850 के आसपास कहीं पे एक्सपायरी हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो 99% राइट तरीके से काम करता है, और मुझे लग रहा है कि उसके हिसाब से आना चाहिए 16,800-16,850, ये लेवल आएगा, गैप डाउन नहीं लगता है कल, कल गैप डाउन नहीं लगता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, कल कोई गैप डाउन वगैरह नहीं लगता है। आज का लो मार्क कर लो, आज का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, आज का लो आप लोग मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लो मार्क कर लो। अच्छा, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी मैक्स प्रॉफिट जोन के आसपास है क्या, यस और नो? बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी मैक्स प्रॉफिट जोन के आसपास है, इज इट क्लोजर टू मैक्स प्रॉफिट जोन? मिस्टर बिलाल, मिस्टर आदित्य, क्लोजर है क्या, मैक्स प्रॉफिट जोन के आसपास है बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी? चेक कर लो जरा। हाँ तो ठीक है, निफ्टी स्ट्रैटेजी भी होल्ड करेंगे, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होने का जरूरत नहीं है। खाली निफ्टी स्ट्रैटेजी में एक चेंजेस हमें करना पड़ सकता है, ये करना है 17,000, 17,000, ठीक है। तो मार्जिन कितना चल रहा है? ठीक है, निफ्टी स्ट्रैटेजी भी एज इट इज होल्ड रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें खाली कल 100 से 150 पॉइंट का बाउंस बैक चाहिए, आई थिंक विल बी इन प्रॉफिट, तो आई डोंट थिंक ये कुछ प्रॉब्लम है, 100 से 150 पॉइंट का बाउंस बैक चाहिए बस, आई थिंक इजीली आएगा, क्योंकि ये 400 साढ़े 400 पॉइंट का फॉल है, और अगर आप ये काउंट करो तो ये 17,500 से फॉल है ये वीक में, ये 29 अप्रैल का कैंडल है ना, लास्ट वीक का कैंडल है, राइट, 1, 2, 3 छुट्टी था राइट बीच में, तो मेरे हिसाब से एक वीक का तो जो एटीआर का रेंज होता है वो रेंज ब्रेक हो चुका है, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट का फॉल आ चुका है, तो एटीआर भी सपोर्ट है, और आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ से इजीली 16,800-16,850 के आसपास कहीं पे एक्सपायरी होगा। कैरी फॉरवर्ड अभी फिलहाल कोई ट्रेड लेके नहीं जा रहे हैं हम लोग, खाली बस 16,600 का और 16,500 का पी शॉर्ट किया है, वो हम लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं बस, ठीक है, और कुछ कैरी नहीं किया है। और कुछ कैरी किया नहीं है हम लोगों ने, बैंक निफ्टी बहुत जोर से गिरा है, बैंक निफ्टी भी बहुत जोर से गिरा है, ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 35,000 के आसपास, निफ्टी ने सारे सपोर्ट ब्रेक किए, ये भी सपोर्ट ब्रेक कर दिया 16,800-16,700 वाला, हाँ 16,600 का पी कैरी है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ कैरी नहीं है, वही कैरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी कैरी है, करेक्ट, इंट्राडे वाला सारा पोर्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया, खाली निफ्टी स्ट्रैटेजी कैरी है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी कैरी है, और 16,600 का पीई सेल कैरी है, 16,500 का भी अगर आपने किया हो तो।
अभी जीरोधा वो इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आएगा ना 3:15, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिकवरी तभी आएगा, थोड़ा बहुत रिकवरी तभी आएगा मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है 16,700 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग होना चाहिए, ये 16,700 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग होना चाहिए, 40 पॉइंट का मूवमेंट आएगा मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ। आज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था आज, आज मतलब अगर आप एक्टिव नहीं हो स्क्रीन के सामने, अगर आपने एक भी मैसेज मिस कर दिया, रीड नहीं किया, देन यू विल सफर द लॉस। आज ऐसा दिन था, थोड़ा आज ऐसा दिन रहता है तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, ऐसा है। आप मैसेज मिस नहीं कर सकते, मैसेज को लाइटली नहीं ले सकते, लालच नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते आप। सोलह 600 में प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो गया होगा, चेक कर लो। 16,600 में प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो गया होगा, चेक कर लो जरा। सर बिलाल आ रहा है क्या प्रॉफिट 16,600 में? 16,600 का पुट, सर पीवी मूर्ति 16,600 का पुट गिरा है ना, 55 हो गया अभी। कितना कितना लॉट किया है मिस्टर बिलाल, कितना लॉट किया है? और एक कर लो ना, और एक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 16,500 का कर लो, 16,500 16,600 ऐसे कर लो। मैंने 250, नहीं मैंने 250 नहीं मारा है, मैंने डबल मारा है, 250 नहीं मारा है, मैंने डबल मारा है। मेरा पोजीशन में इसलिए, चलो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे जितना क्वांटिटी मत मारना, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा पोजीशन, लेकिन मेरे जितना अभी फिलहाल क्वांटिटी मत मारना, बिकॉज मुझे पता है कल सुबह क्या करना है, आपको नहीं पता है, ठीक है? मैं आपको मेरा पोजीशन जरूर दिखा देता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन सी हियर। मेरा पोजीशन आपको दिख रहा है मिस्टर आंसर, मिस्टर धीरज मेरा पोर्शन दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है यस और नो मिस्टर आशीष, मिस्टर बिलाल, मिस्टर पीवी मूर्ति दिख रहा होगा क्लियरली, करेक्ट? सो मैंने आपको अभी बोला 16,700 तक आएगा, 40 पॉइंट रिकवरी आएगा, यस और नो? एंड यू कैन सी हियर 40 पॉइंट रिकवरी आना स्टार्ट हो गया है। कल ये 16,850 तक आएगा, ये 16,800 16,850 डेटा के हिसाब से उसी लेवल के आसपास कहीं पे लगता है, या तो गैप अप ओपनिंग होगा या एक्सपायरी उसी लेवल के आसपास होगा, तो कल मॉर्निंग के वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली, बट आई थिंक 16,850 एक बार आना चाहिए, उस लेवल के आसपास वो टेस्ट करने जरूर आएगा मैथमेटिकल डेटा के हिसाब से। 16,850 इज द लेवल टू एक्सपायर, वहां पे लग रहा है मुझे एक्सपायरी का। आप लोग ज्यादा क्वांटिटी मत करना, ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव द मार्जिन टू रिपेयर, ठीक है? मैंने क्वांटिटी किया है बिकॉज मेरे पास और मार्जिन है, तो सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड आप भी अगर कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव मार्जिन। 16,700 आ गया देखो, यस और नो? आया क्या 16,700? आ गया ना 16,700, यहाँ पे एमटीएम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एमटीएम आपको दिख रहा होगा, यस और नो?
आपके सामने मैंने शॉर्ट किया। सोलह 700 आ गया, देखो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई ऐसे 16 400 16 500 ऐसा नहीं लगता है। एज पर आवर रिट्रेसमेंट कंसेप्ट, एज पर आवर एनालिसिस, एज पर आवर ऑप्शन चेन डेटा रीडिंग, 16,850 16,800 तक ये आएगा, ठीक है। सो कोई बड़ा फॉल ऐसे लगता नहीं है। अभी आप देख भी सकते हो कितना पीएनएल है, क्या है आपके सामने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल मिलते हैं मॉर्निंग में 9:30 मॉर्निंग वेबिनार में। निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी ओपन है एंड 16,600 का पुट सेल पुट राइटिंग ट्रेड ओपन है, परफेक्ट है, प्लीज कंफर्म। स्टॉक का ट्रेड आज हम लोग ने लिया नहीं है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, कल लेंगे हम लोग, करेक्ट। ओके सो कल मिलते हैं मॉर्निंग में 9:30 मॉर्निंग वेबिनार में। एक्चुअली मुझे क्या लास्ट मोड में थोड़ा पोर्शंस और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कल मिलते हैं हम लोग, बिकॉज क्लोजिंग के टाइम मार्जिन के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं 9:30 मॉर्निंग वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।